का फायदा ऐसे बालकन का जिनके होते वो बड़े बूढ़े को सारा काम करना पड़े। हे मंजन करते करते झपकी मार रही है, सोती रहेगी। अरे यार सो कहाँ रही हूँ, दांत मांज रही हूँ। दोपहर में सो के उठो फिर बैठे बैठे झपकी मारो। अरे तो यार जल्दी उठ के कौन सा ऑफिस जाना, तेरे जैसे को तो कोई ऑफिस में चपरासन भी न रखे। हाँ तो मो चपरासन बनना भी ना है। हाँ तो जल्दी दांत मांज के गोबर पाथा के। हैं मैं काहे को पाथल लगूं, क्योंकि मैं बोल रही हूँ। तुम्हारा कहा तुम तो कुछ भी बोलती रहो, मैं सुनूंगी तब ना। सुनाई पड़ेगी, आगे से कान के सारे पर्दे खोल कर रखियो। अब जल्दी आ जा मंजन करके, तो दोपहर में भी दो दो तीन तीन घंटे की नींद मार ले। मैं मेरे जल्दी उठने के पीछे कलेश कर रही है। अब बड़बड़ कम कर, जल्दी आ, इंतजार देख रही तेरा बैठी हूँ। आ रही हूँ, जब तक मैं ना आऊं तब तक बैठी रही हूँ। हे भगवान 11 रुपया की बूंदी चढ़ाऊंगी, आज रात मो सोते सोते ठा लो और कल सुबह अंबानी घर में पैदा कर दो। इनकी पोती होने से बढ़िया तो अंबानी की पोती बन जाऊं, कम से कम वहां गोबर कूड़ा तो ना उठाना पड़ेगा। रात होने में अभी बहुत टाइम है, तब तक गोबर पथवा के देख लो कितने बड़े कान है। वैसे तो काम की बात सुनाई ना देती, ऐसे कितनी जल्दी सुनाई देगी। लाओ कमलेश के यहां से जाकर मथेनी मांग ला अभी, और आधी रात को जाएगी। ठीक है चाय पी लो फिर जा रही हूँ। ना है चाय, ना है मतलब अब तू सो रही या मारे मैंने अपनी एक गिलास चाय बना के पी ली। इरे यार सोई तो रही, मर तो ना गई, कभी तो उठती पीने को। इरे तो इतना पिनक काई को रही है, अभी 2 मिनट में बना दूंगी, तब तक तू जाके मथेनी मांग कर ले आ जा। तो पहले ही बना लेती, कम से कम पी के चली जाती मैं। जब मैं बना रही हूँ सवेरे उठने से लेकर रात सोने तक बस इधर से उधर हांडते रहो हांडते रहो। बिजली, ओ बिजली। हाँ कहाँ जा रही है जल्दी जल्दी में सुनाई ना दे रही। अरे यार मथेनी लेने जा रही हूँ। मथेनी तो ठीक है पर तुझे मेरी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही, कब से आवाज मार रही हो। पागल है तू ही तो मेरी पक्की सहेली है, तेरी बात कैसे सुनूंगी। तो और बात सुनाऊंगी, आज तो एक बात बताऊं बढ़िया। तो पता अंजलि ना हो वावा के माँ बाप ने रंगे हाथ पकड़ लिया बॉयफ्रेंड की गर्ल, मतलब धप्पा कर दिया। और कहा मैंने वहां से खूब मना करी मत जा इतनी दूर घूमना, लेकिन मानी ना। फिर कहा पकड़ लिया पुलिस वाले ने, बुला लिया दोनों उनके घर वाले को। अरे यार शुरू से बताना, ऐसे मेरे को समझ नहीं आ रही। अरे अंजलि का पेपर जल्दी खत्म हो गया, या हमारे वहाँ के बॉयफ्रेंड ने कही है घूमने चल रहे हैं, मैडम जी ने गैली यहाँ कर दी। हाँ तो सही करा, अब बॉयफ्रेंड पूछेगा तो जाएगी नहीं क्या। अब हमारी किस्मत देख ले, कभी गांव से बाहर ही नहीं जा पाते, और जाते भी है ना तो ज्यादा से ज्यादा मामा या बुआ के घर ही जा पाते है बस। ओए माँ इरे मैं कौन सा कह रही हूँ, वाने गलत करा, जब बॉयफ्रेंड पूछ रहा सामने से घूमने को तो घूमने चले जाना चाहिए, मना थोड़ी करना चाहिए। लेकिन बाइक सू तो ना जाती, बस सू चली जाती। बाइक भी लेके गया उसको बॉयफ्रेंड से घुमाने, और कहा तभी तो पकड़े गए, लाइसेंस तो है ना, बाइक पर सेटिंग को घुमाने चले। फिर कहा वहाँ के पापा ने बेल्ट सूती है वहाँ में। बता अब कोई सोच सके कि सच्चे प्यार के आड़े लाइसेंस आ जाएगा। और कहा जिस उम्र में लौंडिया के ब्याह की पीपनी बजनी चाहिए वह उम्र में बेल्ट बज रही है। वैसे एक बात बोलूं, यू लौंडा मो कतई सही न लगता, झूठा लगा है मो। मतलब प्यार व्यार नहीं करता क्या उससे। तो याद है एक दिन वो स्कूल ना आई, मैं पानी लेने गई, मो सीटी मार मार कर लाइन मार रहा है। फिर कहा मैंने वहाँ के रैपट बजाए, वह दिन से मो से बोलना बंद कर दिया। ले जब वो लाइन दे रहा था तो तू लाइन ले लेती ना, कम से कम गांव से बाहर घूमने को तो मिलता हमें। फिर अंजलि की जगह आज मोमई बेल्ट बज रही होती। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ना। पाया भी कहा गांव से निकलते पहली रेड लाइट पे पुलिस वाले ने पकड़ लिया। ये तो यार वैसे हमारे पेपर भी तो खत्म हो गया ना, हम भी कहीं घूमने चले क्या। हमें कौन ले जाएगा यार घुमाना, हमारा तो बॉयफ्रेंड भी ना है। अरे बॉयफ्रेंड की कोई जरूरत है क्या, हम खुद भी तो घूम सकते हैं साथ में। हाँ यार यू तो बात सही कह रही है तू। तो बता फिर कब चले।
यार पूछनी पड़ेगी अम्मा से। फिर तो तेरा आना कैंसिल ही है। मैं तो अंजलि से पूछ लूंगी, अब तक तो उसके बेल्ट के निशान भी ठीक हो गए होंगे। हैं? मेरा घूमना काहे को कैंसिल है? तेरे घर वालों ने मना कर दिया ना यार। अभी तो मैंने पूछी भी ना है, घर पे पूछ तो लेने दे एक बार। हाँ तो पूछियो भी मत, मना ही होगा उनकी तरफ से। तेरा ना यार, मैं राजी कर लूंगी। देख तू चल या मत चल, मैं तो अपना प्लान कैंसिल करने वाली नहीं हूँ। चल ठीक है, फिर आज ही पूछ लूंगी। और सुन, उन्हें ये भी बता दियो कि हम अकेले नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ अमन वगैरह भी जाएंगे। ठीक है यार, बता दूंगी। अम्मा, ओ अम्मा, आजा भीतर आजा। चुगली चाची? किसकी चाची? बिसरख वाली चाची। किसकी? मेरी। और कहा तेरी? अभी भी जिंदा है? ना, अब तो मर गई वे। ये तो बहुत बुरा हुआ। बुरा काहे को हुआ? सेंचुरी मार के मरी है। अच्छा, पर पिछले साल वाकी लौंडिया भी मर गई। वो भी 100 की होके मरी? इरन्ना, वो तो 40 में टपक गई। बताओ, भगवान अच्छे लोगों की जल्दी ऊपर बुला लेता है। अच्छा जी, अच्छे लोगन को बुला ले, मैं यहाँ का कहा मत बल है। मैं 82 की होली अब भी जिंदा बैठी हूँ, मतलब मैं पापी आत्मा हूँ। अरे ना अम्मा, तुम तो बहुत भली हो। ओए माँ। बेटा तू एक चीज और भूल रही है, भोली भी तो हूँ मैं। झूठ। मेरी बात को कैसे झूठ बोल लिया है? मेरी बात तो झूठ बोलेगी तू? बेटा मैं बता रही था, खुद का नक्शा बिगाड़ दूंगी। अरे अम्मा, तुम्हें थोड़ी ना बोला, तुम्हारी बात को थोड़ी बोल रही थी। तो कहा अपनी सास को बोल रही? अरे कान तो छोड़ दो अम्मा, वो तो मैं सरिता को बोल रही थी, बहुत झूठ बोलती है। अच्छा, वहां ने कहा झूठ बोल दिया? कह रही थी कमेटी डाल लो, बहुत फायदा होगा, उसके बाद जितना चाहे जब चाहे उतना पैसा उठा लो। अच्छा फिर? फिर क्या, मैंने सोची कमेटी तो बहुत बढ़िया चीज है, कमेटी के पैसे को कहीं सही जगह लगा दूं, फिर बैठे बैठे पैसा डबल। लक्ष्मी चिटफंड में? अरे ना अम्मा, किराने की दुकान। ओए माँ। अच्छा फिर? फिर क्या, जब मेरी कमेटी उठाने की बारी आई तो कमेटी वाला पैसे लेके भाग गया। तभी लोगन के दौरे इतना पैसा ना होना चाहिए, नहीं लोग डबल करने में लग जावे। कहा ज्यादा पैसा अम्मा, गुड्डू के पापा तो चूड़ी बिंदी लाने को पैसे देते थे, कितनी मेहनत से बचाए थे मैंने, सिंदूर से बिंदी और आलते के रंग से होठों को रंगती थी। मेरा बेटा कोई बात ना, इतना दुखी काई को हो रही है, यूं तो होता ही रहे जिंदगी में। मेरे द्वारा बहुत लिपस्टिक धरी है, एक ले जाइए तू भी। क्या अम्मा, यहाँ लाखों का नुकसान हो गया और आपको लिपस्टिक ही पड़ी है। एक तो ये ढोरन ने हमारा दिमाग खराब कर रखा, 24 घंटे इनके इन्यार पौनी में लगे रहो। अरे हमारा भी एक बैल था, एक्सीडेंट में मर गया। कहाँ? वही परसों रात खेत में। ना सीमा, तेरा बैल एक्सीडेंट में ना मरा तो माने आत्महत्या करी होएगी बैल ने। और ना तो कहा मैंने, बैल क्यों आत्महत्या करेगा? जैसे आदमी आत्महत्या कर ले वैसे बैल ने आत्महत्या कर ली होगी। इंसान तो जिंदगी से तंग आके आत्महत्या करते हैं। हाँ तो बैल ने भी जिंदगी से तंग आके आत्महत्या कर ली होगी। अरे ऐसे कैसे बैल तंग आ जाएगा अपनी जिंदगी से? वाह बेटा, पहले बैल से पूरा दिन खेत जुतवाओ, फिर वासु के हो बैल ओवर टाइम कर, तो बैल अपनी लाइफ से तंग ना होएगा, और कहा रामलाल की वाइफ से तंग होएगा। तुमसे तो बात ही करना बेकार है अम्मा, मैं चलूं। वीरू की माँ के नई वॉशिंग मशीन आई है, सुना है ऑटोमेटिक वाली है, मैं तो अपने कपड़े धुलाऊंगी। आंटी, आंटी, नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते। और हो गए पेपर? हाँ हो गए। पास हो जाएगी ना? अगर मैं पास होगी तो तुम खुश रह पाओगी ना? हाँ मैं तो बहुत खुश होऊंगी, कम से कम इस बहाने 2 लड्डू हमें भी खाने को मिल जाएंगे। हाँ पर देख लियो कड़वे ना लगे। तेरी जुबान इतनी कड़वी, वह सहन कर ली तो लड्डू तो उसके आगे फिर भी मीठे ही हैं। वैसे पेपर खत्म हो गया, कहीं घूमने वूमने ना जा रही? क्यों, तुम ले जा रही हो घुमाने? मैं क्या ले जाऊंगी, ले जाने वाले ले जाएंगे। क्या है उससे? किससे?
अंजलि से, तू उसी की क्लास में तो है। हर दूसरी क्लास में हर तीसरी लौंडिया का नाम अंजलि होवे। अब तुम किस अंजलि की बात कर रही हो, मोह कहा पता? वही जो अपने बॉयफ्रेंड की गर्ल पकड़ी गई। तुम्हें भी पता पड़ गई? और पूरे गांव को पता है, घर से झूठ बोल के अपने बॉयफ्रेंड की गर्ल घूमने जा रही और गांव से निकलते ही पहली रेड लाइट पर पुलिस वालों ने पकड़ ली। मुझे तो ना पता, वैसे तुम्हें किसने बताई? अरे जब लौंडा लौंडिया पकड़े गए तो हमारे यही तो गए मामला सुल्ताने। पर हमने तो सुनी, उनके भी दो थप्पड़ लगा दिए पुलिस वाले ने। कति कैची जैसी जुबान चल रही है, छोटे बड़े का लिहाज ही ना है। किस काम से आई है वो बता चल। मथे नहीं दे दो। अरे कल ही तो लेके आई थी, इतनी जल्दी वापस मांगने भी आ गई। अब यार मुँह कहा पता, अम्मा मंगा रही है। अभी तो मठा फेरा भी ना है, अभी कैसे दे दूं? अब तुम्हारी गलती है, मुँह मथे नहीं दो, मैं चलूं। तुम जब कोई चीज लेके जाओ मैं मांगने आऊं इतनी जल्दी? मैं तो कसम से बीच में फंस गई, अब बिना लिए गई ना तो अम्मा चिल्लाएंगी बिना बात के। अम्मा को बोल दियो मैं ना दे रही, अभी मलाई ऐसे की ऐसे धरी है, आज ना बिलोई तो खराब हो जाएगी। अरे यार तुम्हें पता ना है वे कितने टेढ़े दिमाग की है, कल ही फेर लेती। हद है, अगर चीज इतनी जल्दी वापस मांगनी तो पहले ही मत दिया करो। ऐसा करो तुम घर चली जाओ, अम्मा से डायरेक्ट बात कर लो। डायरेक्ट ही बात करूंगी। तेरे मोह का पता ही कि तैने अभी मठा फेरा ही ना है, पता होती तो मैं काई को भेजती लेने है। ना भैया अपनी मथेनी रखो, मुझे ना चाहिए। अरे अम्मा एक दिन तो रुक जाती कि कोई चीज दी पीछे से मांगने भेज दिया। अरे तो जब तेरा काम हो जावे तब दे जाइयो। अम्मा हाँ एक बात पूछनी है। पूछ। अब तो पेपर भी खत्म हो गए तो मोसू रिजल्ट पूछना आई है। अरे ना फिर वो कर लो ना है, ऊपर दो तीन बालक घूमने जा रहे हैं। कहाँ? इंग्लैंड। दिल्ली। अंजलि भी तो दिल्ली जा रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। पर मैं कल्लो के साथ जा रही हूँ। मैंने तो सुनी कल्लो का भी एक बॉयफ्रेंड है। मैं वहाँ की सहेली हूँ, मो कैसे पता? अरे मुझे भी ना पता, पर जैसे उसके लक्षण है ना, उसे देख के तो जरूर लगे कि होएगा। और कहा कमर के गट्टान ने निकाल के चले, और माथे की लट तो कभी कान के पीछे हो ही ना सकती, दनु नू नू करती रहेगी नू। अरे ऐसे करके ऐसे कर ले, मजा ले जो माथे पे आ जा मेरे बाल। आंखें देखी उसकी कैसी है, जब भी किसी लड़के से बात करेगी तो यूं यूं करके बात करेगी। इरा बीबी हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिल्ले में, ये तो फिर भी लौंडिया की हरकत है। ज्योतिषी हो ना तुम हमारे? अरे बेटा मैं तो लौंडिया की चाल देख के बता दूं आपको उसके कैसे करम है। अच्छा फिर तो मेरी चाल देख के बता दोगी मेरी कैसी हरकतें हैं? बेटा तेरी चाल देखने की जरूरत ना है, तेरी तो मैंने हरकतें देख रखी। छोटी सी बात पूछना आई कि पेपर खत्म हो गए घूमने चली जाऊं, बाकी तो बताई ना, दोनों जने उल्टी सीधी बात करने लगे। अभी जाना? ना तो फिर बता दूंगी आराम से, अभी जाके गेट के आगे पानी का छिड़काव मार दे चल, बहुत ज्यादा धूल उड़ रही है। चली जा अभी घुमाऊ तो इंग्लैंड। अम्मा मेरी मानो तो कहीं मत भेजो, आजकल माहौल बहुत खराब हो रहा। अभी अगर ना कर देती तो गैली कलेस मचाने लगती, या मर मैंने बस हाँ करके बात टाल दी। अरे अम्मा अंजलि जिस लोंडे की गैल पकड़ी गई वो तो अपनी बिरादरी का भी ना है। देख मैं बताऊँ, मैंने तो पहले रामपाल से कह दी कि तेरी लौंडिया भैया कई लौंडा के लग रही है, पर माने ही ना। ना जी हमारी इकली लौंडिया, हमारी तो बड़ी लाड़ूक है, और हमने अपनी लौंडिया कांटन पे पा ली है, हम भी तो ध्यान तो रख रहे हैं बीबी। और क्या, सही बात है, सबकी लौंडिया फूल सी हो है। अरे ऊपर से लौंडा भी तो ढंग का होना चाहिए, द बालन ने नीला पीला करवा के ढोल रहा है। जिसकी लौंडिया वो जाने, हमें क्या लेना देना, हमारे बालक तो अपने घर पे हैं आराम से। सही बात है। अच्छा यूँ बताओ, इबिया मथेनी लेके जाऊँ छोड़ के जाऊँ यहीं? अरे बीबी ले जा, मैंने कहा मना करिए तो सू, हमारे घर अलग थोड़ी तो सू, तेरा जो मन करे उठा कर लिए जा, मन करे तो मुँह पिद्दी चढ़ा के ले चल। देखो पिद्दी चढ़ा के तो लेके ना जाऊँ, पर तुम्हें घिया की बर्फी खानी तो चलो मेरी गैल, कल बनाई थी बढ़िया बनी है। अरे कपड़े धो लूं वहां के बाद चलूंगी, घर भेज दिया कटोरी में करके। अरे छोड़ो अम्मा, काम धाम तो बाद में भी हो जाएगा। तो सांझ को कपड़े धुलवाने आएगी? हाँ हाँ मैं धुआ दूंगी, चलो चल फिर आ जा। भगवान पूरे दिन यू काम कर लो वो काम कर लो, थोड़ी सी पूछ दो घूमने उमने की बस आफत आ जाएगी। यासु बढ़िया तो मामा के यहीं चली जाऊंगी घूमने।
दिन में छिड़काव लगा दो, रात में छिड़काव लगा दो, पूरा ही फेंक दे रही हूँ। आ जाओ। अगर इस वीडियो को तुमने एंड तक देखा है तो मैं तुम्हें बस एक ही ज्ञान देना चाहूंगी कि अगर कोई घर में कुछ भी काम करने को कहे तो उसे इतनी शिद्दत से करो कि अगली बार कोई कुछ ना कहे, खुद वो काम कर ले। तो जल्दी से कमेंट में बताओ कि कौन कौन मेरी तरह एकदम काम को बिगाड़ के रख देता है जिससे कि अगली बार कोई काम को कहे ही ना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना भाई जरूर, और सबके साथ शेयर कर देना। देखो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, तुम्हारी चार चवरने भी ना लग रही ठीक है, सब्सक्राइब कर दे करो। आगे मैं अपनी पे सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और बाकी तुम सबको मेरी तरफ से और कहा बताऊं यार, अच्छी अच्छी वीडियो, और लव यू। हक के धोना तो आता ना आवा के बॉयफ्रेंड पे, छोटे छोटे से बाल लगे हैं। फिर आज अंजलि की जगह मेरी पीठ लाल पड़ी होती। सब बोल दो, मेरी पीठ लाल पड़ी होती, मेरे बेल्टी बेल पड़ रहे होते, मेरी कबड्डी मैं टूट गई होती। मैं जा रही पानी लेने, मो सीटी मार मार के छेड़ रहा, छेड़ नहीं रहा था, लाइन मार रहा था। मैं क्यों नहीं बोल पा रही हूँ ये, किसी को मारा ही लाइन। सही कह रहा है रे, उम्र भी तो होनी चाहिए भाग जाने की। ये कर लेते हैं, मो यू लौंडा यार, कतई भी जेन्युइन ना लग जाओ। क्या बोल रही हूँ मैं, ये बागवाद वाला मेरे बाल पकड़ के पूरा से स्कूल में नचाया। सोचा ऐसा वाला से बिगाड़ हो गया, छबरी है, जगह ही नहीं है भाई, ऐसे हो गई तो ऐसे हो जाऊंगी। हम देखे भी हमारे तो बुढ़ा भी टपक गया, गांव के सारे बुढ़े भाव दे, मैं घात न डालती कहीं।